जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखता हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके सिद्धांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों की तपस्या से और रिसर्च कर हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित किया है। मैं आज इन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर आपको आपका राशिफल बताने जा रहा हूं। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक साल में जो हमने आपसे जो प्यार पाया है, जो आपने अपने स्नेह और आशीर्वाद हमें दिया है, जिस कारण आज हम 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, सीधे 10,00,000 सब्सक्राइबर्स की जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही आप सभी हमें अपना प्यार देते रहें और हमारी वीडियोस को पसंद करते रहें, यही हमारी आशा है। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, उस पर अपना नाम लिख के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में अपना कमेंट्स के माध्यम से हमें प्यार इस वीडियो को अवश्य ही दें। आज 14 नवंबर 2019 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज द्वितीय तिथि शाम 7:55 तक रहेगी और उसके पश्चात तृतीय तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:44 से लेकर 12:27 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 1:25 से लेकर 2:45 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप धर्म धर्म के कार्यों में भाग लें और यदि हो सके तो अपने घर पर भी धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करें। आज सच्चे मन से भगवान को याद करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप मन वांछित फल प्राप्त करेंगे। आज का दिन विशेष तौर पर छात्रों के लिए शुभ है जो मैथमेटिक्स अर्थात गणित पढ़ते हैं। आज आप गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसानी से हल कर लेंगे जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आज उन छात्रों को भी गणित को समय देना चाहिए जो किसी वजह से गणित को मुश्किल समझते हैं या उसमें रुचि नहीं लेते हैं। पर स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक आज वे पढ़ें उसे कंप्लीट करने के बाद ही उठें, अन्यथा वह टॉपिक बहुत लंबे टाइम के लिए लटक जाएगा। आज यदि आप झूठ बोलते हैं तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। आज प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको सिंदूर चढ़ाना और लड्डुओं का भोग लगाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। सिंह राशि वालों, अगर आपको नौकरी मिल पाने में अड़चने आ रही हैं या आप अपनी नौकरी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक लकी नाम जानने के लिए, अपने व्यापार के लिए एक भाग्यशाली नाम जानने के लिए, जिससे कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, घर कर्म के काम जैसे कि यज्ञ महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे हर राशि का जातक करके आज कर्ज से मुक्ति पा सकता है। आज प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर आप मंदिर जाएं और शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाएं। शिवलिंग पर दाल चढ़ाते हुए आज आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। मैं आप सभी के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो अवश्य ही आप सभी कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 1 महीने पहले यहाँ गुरुजी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो हो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब है, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया, और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो कि दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं वो करते हैं, और तो मैं बहुत ज्यादा हुआ हूँ, लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, सादर निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरु जी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्मकुंडली दिखाएं और जैसे गुरु जी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। नाम करुणा भोला, आप क्या करती हैं? मैं होम ट्यूशन लेती हूँ, टीचर हूँ। कहाँ रहती हैं? वेस्ट पटेल नगर। तो आप गुरु जी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था, और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ, और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं। कब से परेशान किया? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो अब रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को, 1st of January को, और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। आपको उससे इतनी देर में फायदा हो गया? हाँ जी, आज एक है तो 1 महीने में मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताए करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा? क्या आपका बच्चा होमवर्क करने के बजाय टीवी सीरियल देख करके बिगड़ रहा है? क्या आपका बच्चा किसी बुरी संगत में पढ़कर बिगड़ गया है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले
परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें